है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मंगमणि। हम लगातार सहारे से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आज और अपडेट हमें देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभात कुमार जी, जो कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार मैडम। सर, झारखंड में सहारा को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? सर, झारखंड में मैडम मेरा कहना है कि सहारा का स्थिति कमोबेश पूरा देश में एक ही स्थिति चल रहा है जी। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पूरा इंडिया से, पूरा देश से सबसे ज्यादा पैसा लूटा गया है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टर हैं और सबसे ज्यादा भोले भाले आदमी हैं, जिनको कंपनी ने सुनियोजित ढंग से प्लानिंग बना के और लूटते गया है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के जो आदमी हैं बहुत सीधे होते हैं। मैडम, आपसे हम बात करेंगे, आपको भी पता चलेगा कि झारखंड के आदमी न कोई किसी भी तरह का चालाकी नहीं जानता है। लोग बहुत विश्वास करते हैं, तो इतना विश्वास करते हैं। आप कह रहे हैं कि झारखंड के लोगों को सीधा समझकर उनका फायदा उठाया गया है मैक्सिमम जी, और आप क्या बताना चाहेंगे? और मैडम, अभी जो हम बताएंगे आपको कि सहारा जो कंपनी है, ये अभी नहीं कि अभी ठगा, ऐसा बात नहीं है। यही है कि भोले आदमी इनको समझ नहीं सका। ये शुरू से देश के गरीब जनताओं को इनका प्लानिंग इतना सुंदर बना हुआ था, लूटने का, सिर्फ लूटने का प्लानिंग बना हुआ था, जिसके माध्यम से ये लूटते गया। इनका इतना सुंदर व्यवस्था बना हुआ था और उसमें सबसे पहला व्यवस्था इसका था आदमियों के ऊपर अपना विश्वास जमाना जी, जिसमें ये कामयाबी हासिल कर लिया, जो हम लोग कोई समझ न सके। लेकिन हमको दुख लगता है, हम तो बहुत सारे कार्य करता है, जमा करता है, जो सही में समझ नहीं भी पा सकते हैं। लेकिन हमारे देश, जो कि भारत देश एक दुनिया में माने रखता है, इस देश में बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इस देश में राष्ट्रपति हुआ करते हैं, इस देश में प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक देश है। कितना पैसा बकाया है अभी सहारा निवेशकों का? झारखंड में तो एक्यूरेट हिसाब तो हम लोग नहीं रख पाएंगे, कारण ये हम लोग का काम नहीं है जी। अभी जब से कंपनी ठगी किया तब से हम लोग इस मुहिम में आए हैं, लेकिन कमोबेश हम आपको बोलेंगे पूरे झारखंड में कितना भी कम हो तो 40 से 50 हजार करोड़ रुपया पूरे झारखंड से होगा। 40 से 50 हजार करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा अमाउंट है जी, तो उसको लेकर क्या आपको लग रहा है कि आपका पैसा वापस मिलेगा? क्या रणनीति आपके लिए बनाई जा रही है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए? अभी अभी तक का जो स्थिति हम देख रहे हैं, कंपनी का नियत नहीं है पैसा देने का। जी, अगर कंपनी का नियत रहता तो पूरा देश को पता लग जाता है कि हाँ कंपनी पैसा देगा। लेकिन कंपनी जिस तरह से अपना षड्यंत्र बना के चल रही है, इससे उम्मीद नहीं है। वो भरसक कोशिश कर रही है कंपनी कि पैसा न देना पड़े और जनता को बरगला के इसी तरह समय को पार करते रहे। कंपनी का नियत पैसा को हड़प लेने का है। आप कह रहे हैं कि जो सहारा कंपनी है वो जो है पीड़ितों का पैसा हड़प रही है, नियत बना रखा है हड़पने का, जो अभी तक तो हड़पा हुआ है, लेकिन कंपनी अपना मतलब देना नहीं चाहती। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी जो है निवेशकों का पैसा लौटाना नहीं चाहती है? नहीं चाह रही है, पर आपकी ओर से लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं, उसके सिवा हमारा रास्ता क्या है मैडम जी? तो जैसे कि झारखंड में लगातार आंदोलन जारी है, हाल ही में भी आपके द्वारा एक झारखंड में आंदोलन किया गया, बड़ा आंदोलन किया गया था, तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आपको उससे थोड़ा बहुत भी आश्वासन मिला है या वो भी पहले की तरह ही ऐसा ही रहा? नहीं, अभी तक हम लोग को कंपनी तो डेली आश्वासन देती है 24 घंटा,
ये तो 10 साल से कंपनी बोल रही है, कंपनी तो बोल नहीं सकती, कंपनी का तो ये पावर नहीं है, पैसा नहीं देंगे बोलने का, वो तो बोलेगी, वो तो बोलते रहेगी, जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक वो बोलेगा हम आपका भुगतान करेंगे। जी, लेकिन मैडम मेरा कहना है कि हमारे 1000 से ज्यादा साथी है जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं, इनको कंपनी कैसे पैसा देगी, ये हमको पहले बताया जाए मैडम। जो साथी लड़ते लड़ते पैसा के आस में फांसी ले लिए, सुसाइड कर लिए, ब्रेन हेमरेज हो गया, दवाई के अभाव, इलाज के अभाव में जो डेथ कर गया, उनका पैसा कंपनी कैसे भुगतान करेगी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जो पीड़ित दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनका पैसा कैसे मिलेगा? ये तो समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, और ये लगातार कंपनी के जो स्थिति है, ये सुसाइड करने का लगातार ये जो प्रवृत्ति है बढ़ते जा रहा है। मैडम आपको कमिंग फ्यूचर में हर सप्ताह में सुनाई देगा, कहीं सुसाइड हुआ, कहीं फांसी ले लिया, कहीं कुछ हो गया, तो ये सिलसिला कैसे रुकेगा? प्रभात जी, अब आपको किस तरीके के आश्वासन मिल रहे हैं कंपनी की ओर से? कुछ नहीं, आपको तो बोले आश्वासन तो 24 घंटा, आश्वासन अभी नहीं मिल रहा है आपको कोई भी? नहीं, आश्वासन मिल रहा है जी, लेकिन ये झूठा आश्वासन क्या कहा जा रहा कंपनी है, का। क्या कहा जा रहा है सहारा की ओर से? सारा का ऑफिस बोलते हैं हमारा केस चल रहा है, सेबी के साथ केस चल रहा है, हम लगे हुए हैं, जैसे ही फैसला आ जाएगा वैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, ये हम आज 10 साल से सुन रहे हैं। जी, तो झारखंड पुलिस इसमें कितनी मदद कर रही है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है झारखंड पुलिस की तरफ से? अभी हम लोग कल एक ब्रांच का झारखंड पुलिस के वहाँ हमारे माननीय कांग्रेस का नेता आलक दुबे सर के नेतृत्व में डोरंडा थाना गए हुए थे, जिसमें हम लोग थाना प्रभारी महोदय के सामने अपना आपबीती सुनाए, जिसमें 200 से अधिक हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता सब गए थे, सर को बताए आलोक दुबे सर के नेतृत्व में कि सर हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली गए थे, जंतर मंतर भी गए थे, वहाँ राष्ट्रपति महोदया को भी ज्ञापन दे के आए हैं, हम लोग हर तरह का कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, प्रधानमंत्री प्रभात महोदय को जी, भी हम क्या लोग। है कि आपकी ओर से नवंबर में एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है, हमारे भी विषय में ये आया है कि नवंबर में आपकी ओर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, तो उसको लेकर आप क्या बताएंगे? हम लोग का है मैडम, अभी तो हर जिला में, हर स्टेट में, पूरे देश में हम लोग का आंदोलन जारी है। जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन के बदौलत कंपनी और सरकार ध्यान दे, हम लोगों को कुछ दिखाई दे रास्ता पेमेंट का, अगर कुछ भी रास्ता ना निकले तो ये अक्टूबर हम लोग इसी तरह से कर रहे हैं, नवंबर से हम लोग का योजना है क्रमबद्ध तरीका से पूरे देश में एक साथ हम लोग संगठित होकर आंदोलन चलाएंगे, जिसमें जितने भी जोनल ऑफिस है, छोटे छोटे ब्रांच ऑफिस है, इसमें हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे एक दिवसीय 8 या 9 तारीख को, और उसके बाद भी हम लोग कुछ करने के बाद उम्मीद में बैठे रहते हैं कि सरकार का भी कुछ खबर आएगा या कंपनी के तरफ से भी कुछ आश्वासन मिलेगा। 8 या 9 नवंबर में आपकी ओर से जो है आंदोलन किया जाएगा? जी मैम, जी, और क्या बताना और चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर, और क्या नई रणनीति आप इस आंदोलन को लेकर बना रहे हैं, क्योंकि काफी चर्चा में है ये आंदोलन। हाँ, अगर कुछ भी आश्वासन नहीं मिला तो फिर 15 नवंबर से हम लोग अनिश्चित काल के लिए अपना जोन ऑफिस में बैठ जाएंगे, और उससे हम लोग वहीं पर अनिश्चित काल के लिए बैठे रहेंगे, जब आश्वासन तक नहीं मिले, इंसाफ नहीं मिलता है। अगर हम लोग को उसमें भी कुछ आश्वासन नहीं मिले तो फिर हम लोग अपना जो पूरा एक साथ अपना अपना जगह में हम लोग एनएच में निकल जाएंगे, जरूरत पड़े हम लोग रेलवे ट्रैक में जाके बैठ जाएंगे। जी, आखिर हम लोग करे क्या, क्या करे इसके सिवा? आप एक चीज हमको मैडम बताइए जो आपको हम बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि जनता सड़क में कब आता है।
जनता सड़क में कब निकलता है जी। जनता को सड़क में क्यों निकलना पड़ता है? जब गरीब पीड़ित शोषित जनता के साथ न्याय नहीं होता है। बिल्कुल। जब एक कंपनी ठग लिया है, इस कंपनी कैसे ठग लिया? कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ, ये लाइसेंस कौन देता है? जब सरकार ने इनको लाइसेंस दे रखे हैं तो समय समय पर इनका इंक्वायरी करना सरकार का दायित्व बनता है। बिल्कुल। सरकार ने अपना काम, कोई भी सरकार हो, आज ये 45 साल का कंपनी है, 45 साल से ये कंपनी ठग रहा है। ये सीबी का जो मुद्दा है, ये ठगने का मुद्दा है। सीबी हमको बता दिया जाए, क्या सहारा की ओर से आपका थोड़ा बहुत भी बकाया जो है निवेशकों का हुआ है, क्या उन तक उनकी थोड़ी बहुत भी राशि पहुंची है सहारा की ओर से? नहीं, पैसा नहीं मिला है सहारा की ओर से। जो उनका जोनल मैनेजर है जी, ब्रांच मैनेजर है, हाँ, ये लोगों को पैसा इलों को मिल रहा है बरगलाने के लिए। इलों का पारिश्रमिक जो बरगला रहा है अभी भी जनता को, उसके एवज में इनको पैसा मिल रहा है। सेकेंड चीज है, आपको मैडम बता दें, हम बताइए, ये जो दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको आदेश दे रखा है, हम अभी जितने भी जनता है, जितने भी हम लोग निवेशक है, हमारा पैसा सेबी से मतलब नहीं है, हमारा पैसा सेबी के पास नहीं है, हमारा पैसा इन कंपनी के चार जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनमें पैसा फंसा हुआ है और इनको भुगतान करने। आप हमारी जो जनता है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताएं कि कौन सी चार संस्था है जो आप बता रहे हैं कोऑपरेटिव, जिसमें हमारा पैसा है अभी, ये चार है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी कंपनी लिमिटेड और कीसो प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, इन चार में पैसा फंसा है और जिसका कोई विवाद नहीं है, जिसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। संस्था है जिनके बारे में आप बता रहे हैं? जी जी, तो इसी के साथ मैं सवाल आपसे ये करती हूँ कि क्या सहारा मीडिया की तरफ से, मैं मीडिया की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्या सहारा मीडिया की तरफ से आपको समर्थन मिल रहा है? कुछ नहीं, सहारा मीडिया से आज से 7 दिन पहले मेरा बगझग हुआ है। सहारा मीडिया आए थे हमारे जोनल ऑफिस में और दूसरे जो हमारे यूट्यूब का हमको जो मदद कर रहे हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया जो हमको मदद कर रहे हैं, वो आए थे हमारा प्रचार करने के लिए कि गरीबों का पैसा मिल जाए, उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो फिर जोनल ऑफिस में हम लोग उसको डांट के भगा दिए, सहारा मीडिया के कर्मी को, वहां से कोई कोऑपरेट नहीं। सहारा मीडिया के लोग क्या करने के लिए आपके पास आए थे, क्या कुछ बयान देने के लिए, क्या किस लिए आए थे? नहीं, वो अपना काम करने आए थे जी, वो सहारा का प्रचार उनके फेवर में बात करने आए थे। तो जैसे हम लोग बात किए हूँ कि वो अपना किस तरीके का काम करने आए थे, मैं वही चाहती हूँ कि आप खुलकर अपनी बात को रखें, किस तरीके का वो काम करने आए थे? नहीं, वो तो हमारे जोन ऑफिस में हम लोग घेराव में बैठे हुए थे, उस समय सहारा मीडिया कर्मी आए थे, वो आके दूसरे जो मीडिया कर्मी है उनको कुछ कुछ अपने लेवल से बात बोल रहे थे। हमको पता चला, हमारा कोई साथी आके बोला, प्रभात जी देखिए सहारा वाले आए हैं और दूसरे को भड़का रहे हैं। तब हम उनके पास गए, उनके पास जाके वो हमको समझाने लगे कि आप लोग ऐसा काहे बात बोलते हैं। हाँ, हम उनको बोले या आप क्या दिखाने यहाँ आए हैं, तो बोले सही चीज वो अपना लेवल में बात कर रहे थे मैडम, हालांकि काफी तो भीड़ था, जोन में घेरा करने नहीं आपको बल्कि भड़काने के लिए आए थे। हाँ, हमको नहीं, हमको तो भड़का सकता नहीं है वो, नहीं हमको वो नहीं भड़का। साथी हैं जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो भी भोले भाले सीधे लोग हैं, वो शायद उनकी बातों में ना आ जाए, तो इस तरीके का मैं आपसे संपर्क कर रही हूँ। जी जी मैडम, और आप क्या बताना चाहेंगे सहारा सेबी को लेकर, जिस तरीके से ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, तो इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी जनता ये वीडियो देख रही है, उसको आप क्या बताना चाहेंगे सहारा और सेबी को लेकर? सहारा और सेबी का मैडम, हमको जो मालूम है, इससे भी ये सहारा का पहले दो कंपनी हुआ करता था, सहारा रियल इस्टेट और एक हाउसिंग बोन बोल के,
ये इसमें भी सारा कंपनी ठग रहा था पैसा जनताओं से। जब सरकार को पता चला ये ठग रहा है, तब सरकार ने इस दोनों कंपनी पे रोक लगा दिया। सरकार बोला कि तत्काल तुम इस दोनों कंपनी को बंद कर दो और इसमें जितने भी पैसा तुम लिए हो ये पैसा जनता को लौटा दो। जब सहारा कंपनी नहीं लौटाने लगा तब ये सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में लिए। सुप्रीम कोर्ट बोले ये गरीब जनता से इन दो कंपनी में आप जितना पैसा जमा कराए हो ये पैसा आप सेबी को जमा करो, सेबी जनता को पेमेंट करेगा। यही मुद्दा है। और उसके बाद वो सब मिला के इंटरेस्ट के साथ मिला के 24-25 हजार करोड़ रुपया होता था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा कंपनी को आदेश दिए थे कि ये पैसा आप सेबी को जमा कर दो, सेबी गरीब जनताओं को लौटा देगा। लेकिन सहारा पूरा पैसा तो जमा किया नहीं, किस्तों में 15,500 या 700 के आसपास करोड़, 15,500-700 करोड़ रुपया जमा कर दिए हैं सेबी में। और हमारे ऑफिस में बरगला दिया गया सभी जनताओं, आम निवेशकों को, कि आपका पैसा सेबी में जमा है, आप सेबी से ले नहीं पाओगे, सेबी सरकार के पास जमा है, तो आप बाकी जो पैसा है आप अपना सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कर दो सहारा के ही दूसरा कंपनी में। और ये रातों रात एक कंपनी का निर्माण कर लिए, क्यूसॉफ प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, और जनता का सारा सर्टिफिकेट को कन्वर्जन करा दिया। उसमें बोला 6 महीना के बाद, 6 साल के बाद, 4 साल के बाद नया नया प्लानिंग करके आपको कंपनी ही पेमेंट करेगा। और बरगला के सबको प्रभात जी, ये तो रही सहारा सेवी की बात। अभी बात कर लेते हैं ओपी श्रीवास्तव और सुब्रत राय के बारे में भी, जो कि इसके मुख्य किरदार हैं, आप समझ ही सकते हैं, जो कि सहारा की जनता है सभी जानते हैं ओपी श्रीवास्तव और सुब्रत राय के खेल के बारे में। तो आप इनकी जो ये रणनीति है, इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है निवेशकों के खिलाफ, इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? बताना मैडम, ये सुब्रतो राय, ओपी श्रीवास्तव, हम लोग पूरा देश जानता है सुब्रतो राय को। सुब्रतो राय, इस देश ने उनको उपाधि दिया सहारा श्री का, बहुत बड़ा उपाधि दिया है। आज सुब्रतो राय देश का वरिष्ठ, एक रिचेस्ट पर्सन बने हुए हैं जी। उनका उनका पूंजी था, जो हम लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, 2,000 रुपया। आज हम गरीबों को लूट के आज ये अरबों खरबों, न जाने कितने हजार लाख करोड़ का मालिक बने हैं। तो वो तो आज एक विशाल का जी, वो आज एक विशाल का राक्षस है। सुब्रतो राय भारत वर्ष का सबसे बड़ा ठग करने वाले व्यक्ति, और उनका हैंड टू हैंड पार्टनर जो है ओपी श्रीवास्तव, ये देश का सबसे बड़ा माफिया व्यक्ति। ये हम गरीब जनताओं को धमकाते हैं हमारे पैसा से। आज अगर ये हमारा सारा पैसा लौटा दे तो भिखारी बन जाएगा, अभी तुरंत 2,000 में आ जाए। लेकिन सुब्रतो राय, पहले हम लोग बहुत इनको भगवान जैसा मानते थे, यही कारण है कि आज खुद का पैसा 20 लाख से ऊपर डाले हुए हैं। और हमारे जितने भी निवेश, हमारे जितने भी सगे संबंधी है, उसमें चाचा से, भगना से, दीदी से, जीजा से, सास से, ससुर से, सबका पैसा करोड़ों में लगा दिए हैं, ये तो विश्वास जीते। और सुब्रतो राय ऑल इन ऑल वो तो मालिक है, चेयरमैन है, और ओपी श्रीवास्तव पारा बैंकिंग को देखते हैं। और ये है ताकतवर व्यक्ति। जब हम लोग आंदोलन करने जाते हैं, जब पैसा नहीं मिलेगा मैडम, तो स्वाभाविक है हम लोग को आंदोलन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो हम ही नहीं पूरी दुनिया संघर्ष को देख रही है, और हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि आपको आंदोलन का, जो ये आप आंदोलन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत जल्द मिले और अच्छा मिले। तो इसी के साथ मैं अब आपसे ये अनुरोध करूंगी कि आप हमारे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जो जनता है, जो सहारा की जो जनता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सहारा के जनता को सर, मैडम हम लोग संदेश दे रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, मरते दम तक लड़ेंगे। जब तक आपका भुगतान हम न करा पाएंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। हमारा खाना पीना तो ऐसे ही बंद हो गया है, घर में रहना तो ऐसे ही बंद हो गया है,
चुपके चुपके रहते हैं, विश्वास दिलाते हैं हम आपका पैसा दिलाएंगे, हम सरकार से गुहार लगाएंगे। चुपके रहने वाली बात, मैं माफी चाहूंगी मैं आपको काट रही हूँ, चुपके चुपके रहना क्यों, ऐसे क्यों आप रह रहे हैं? मैडम बात है कि हम दूसरों का कंपनी के भरोसा में दूसरों से हम अपने काम करते थे, यहाँ पर दूसरों का पैसा लगाए हैं, अब वो बोलते हैं कि पैसा हम आपको दिए हैं, अब आपका कंपनी में विवाद चलता है क्या चलता है ये आप जानो, मेरा पैसा दो। और गरीब आदमी है, आदमी पैसा इन्वेस्ट क्यों करता है, कुछ कारण होता है इसके पीछे, बच्चा पढ़ाना है, घर बनाना है, मेडिकल का खर्चा है, या आदमी पैसा रखता है फ्यूचर के लिए, वो तो पैसा हमको डिमांड करेगा जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज तो हम सुब्रतो राय नहीं है ना कि इग्नोर कर देंगे, हम तो उनको बरगला नहीं सकते हैं, हम उनको एक ही बोलते हैं आपके लिए लड़ रहे हैं, जरूरत पड़े हमारा जीवन भी चल जाए हमको कोई नहीं आपका पैसा दिलाएंगे, लास्ट में कंपनी नहीं देगी तो जो जिनको हमको भरोसा है सरकार, जो गरीबों के लिए सरकार बनती है ना, हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं जी। सरकार को हम अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि गरीबों के ऊपर ध्यान दे, एक चोर को संरक्षण देना, कोई भी सरकार अगर इनको संरक्षण दे रहा है ये तो संरक्षण देना ही है मैडम, हमको बताइए। समय की कमी होते हुए हमें अपना वार्तालाप यहीं समाप्त करना होगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने जो भी गुहार लगाई है, हम आशा करते हैं जरूर आपके इस गुहार को सुना जाएगा और एक दिन आपको जरूर इंसाफ मिलेगा, और हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए, आपको इंसाफ मिले, ऊपर तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रभात कुमार जी, तो ऐसे ही फिर कल हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ, बने रहिए तनु 15 के साथ।